यतिंद्र मिश्र जी आ चुके हैं सर, हम दिल से आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आप आए हैं। जाने पहचाने नाम है सर को, बहुत ज्यादा मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री जो अभी बढ़ रही है उसके एक प्रसिद्ध पटकथा लेखक, संवाद लेखक, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं आप। चार फिल्में आपने लिखी, संगीत सीखे नहीं है और इतने डीप में मैंने जो पढ़ा है उसमें कि आप रागों के बारे में भी इतना डिस्क्रिप्टिव उसमें दिया हुआ है कि पर्टिकुलर कोई एक सॉन्ग है तो उसमें रागेश्री भी है, बागेश्री भी है और मिल करके वो मालगुंजी बन रही है और शुद्ध गंधार का, ये एक चीज मुझे समझ में नहीं आई। आप प्लीज थोड़ा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से, हम मेरे ख्याल में सभी जानना चाहेंगे। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको, अपने बारे में नहीं, हमारे यहाँ जो परंपरा है लिखने पढ़ने की, तो हम लोगों के लिए वो किसी भी कौम में सरस्वती को ही हम ज्ञान की देवी मानते हैं, तो उनकी जो अवधारणा है कि एक हाथ में पुस्तक है एक हाथ में वीणा है, तो आचार्य कैलाश देव बृहस्पति बहुत बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने पढ़ा थी कि एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में वीणा, तब तक तो मामला ठीक चला, लेकिन संगीत वालों में फैले हो गए लेकिन कूड़ हो गए, ज्ञान से हीन हो गए, और जो साहित्य वाले थे वो अपनी पुस्तक वाली सरस्वती जी के भाग गए, तो वो सब पढ़ाकू तो हो गए लेकिन वो नीरस हो गए, उनके जीवन से संगीत चला गया। तो मुझे लगता है कि जोड़ करके तो सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, आपका ज्ञान भी कुछ काम का हो और थोड़ा सा रस बना रहे, तो खैर 72% था मैंने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कम से कम अगर आप थोड़े भी साहित्य कला प्रेमी हैं या संस्कृति से इन्वॉल्व करते हैं और घर में थोड़ा बहुत वातावरण है जहाँ पे पुस्तकें पढ़ी जाती हैं या मैगजीन आती हैं या कोई अच्छी बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं से अच्छे संगीत की चर्चा भी आती है। यतिन जी, हम सफर लिखने के लिए आप सोचे कैसे और इसको लिखने में वक्त कितना लगा आपको, क्योंकि जिस डिटेल के साथ में ये बुक है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत समय ली होगी, और इसके लिए मतलब आपके क्या अलग से क्या प्रयास रहे? देखिए, इस किताब की एक थोड़ी सी रोचक बात मेरे संदर्भ में ये रही कि मैं बहुत फिल्म म्यूजिक सुनता हूँ और मैं उसी अनुपात में शास्त्रीय संगीत सुनता हूँ, तो मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी है, एक मेरी अपनी एक पसंद की लिस्ट है, आप नौशाद साहब होंगे तो कौन कौन सा गाना सुनना है और मदन मोहन है तो क्या सुनना चाहिए, सभी करते हैं, मैं फिर वही कह रहा हूँ सभी करते हैं, अभिमित भारती सुन रहे होते हैं, इनसिंह भी कुछ आता रहता है, अब तो यूट्यूब ने सब सहज कर दिया है, सब नहीं किया है तो 90% तो कर ही दिया है, जो कभी आप सोचते थे ढूंढते थे फरमाइशी भेजते थे चिट्ठी और कभी बजता था तो नहीं बजता था, अब आप यूट्यूब पे गए आपने लिंक किया और बजा दिया आपने अपने उस पर बजा दिया मोबाइल पर, तो मुझे ये इस मामले में सहूलियत रही कि मैं अपनी चीज़ें ऐसे करता रहता था। तो पेंगुइन में मेरी एक मित्र होती थी रेनू अगल, हम लोग बैठे थे इंटरनेशनल सेंटर में, कुछ बात हो रही थी और भारतीय सिनेमा के 100 बरस हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जो म्यूजिक से रिलेटेड हो और सिनेमा में हुआ हो, तो मैंने कहा 100 साल का मेरा कोई अध्ययन नहीं है फॉर ए गुड स्क्रिप्ट, तो मैंने उनको तमाम मित्रों के नंबर दिए कि ये संजय पटेल हैं इंदौर में रहते हैं और ये विश्वनाथ चटर्जी हैं नागपुर में रहते हैं, इनसे इनसे किताबें बनवाओ, तो मैंने कहा वो सब हम कर लेंगे लेकिन आप एक किताब जरूर करिए, तो मैंने अच्छा मैं सोचता, तो मुझे लगा कि एक म्यूजिशियन को डिफाइन करते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आप अगर म्यूजिशियन डिफाइन करेंगे चाहे SD वर्मा को करना चाहिए किसी को करेंगे तो इतनी फिल्में हैं कि आप इतनी फिल्मों की बात करेंगे, तो मुझे लगा कि एक प्रतिनिधि उदाहरण चुनते हैं, अगर SD वर्मा है तो तुरंत दिमाग में तुरंत गाइड आती है, बहुत फिल्में आती है लेकिन तुरंत क्या आती है गाइड आती है, मैंने वो बहुत पॉपुलर भी है, हो सकता है कि क्लासिकल एस्पेक्ट से या उनकी इंट्रिकेसी ऑफ आर्ट के एस्पेक्ट से मैं सोचूं तो शायद कोई दूसरी फिल्म चुनूं, लेकिन पॉपुलैरिटी विद ऑल एस्पेक्ट्स तो मुझे लगता है वो गाइड ठीक है, तो ऐसे मैंने 25 फिल्मों की लिस्ट दी और उसमें मैंने फिर जानबूझ के वो सहगल की फिल्म उनके लिए पंकज मलिक, क्योंकि शुरुआत तो सहगल से, सहगल तो आदि गुरु है, तो मजेदार ये हुआ कि मेरी लिस्ट आके खत्म हो गई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं चले कि 100 साल में लक्ष्मीकांत कब के गुजर गए, इतने सब हुए हैं बाद में इनका क्या करेंगे, मैंने कहा इनका हम कुछ नहीं कर सकते, इनका किसी और से करो, इनका गाना नहीं समझ में आता भैया इसको रिकॉर्ड करके छाप मत देना, तो हमने कहा इनका गाना हमारे समझ से परे है, मैं हूँ जवान लेकिन मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट का आदमी, तो कहा नहीं अब नाम लिया उन्होंने बहुत सारे इनका उनका, मैंने कहा भैया ये हमसे ना होगा, तो कहा कि ये ऑथेंटिक है, तो कहा कि कोई बड़का विद्वान हो वो साहब अनु मल्लिक के संगीत का भी सम्मान करते,
लेकिन आई कांट कंपेयर श्री रामचंद्र धर्म मालिक में मेरे हैसियत में नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बोले कुछ तो करिए नया, कुछ तो लेके आइए, वो बहुत पुराना मामला है। तो फिर मैंने बाद में खजाना मंगेशकर और भूपेन हजारिका जोड़ा। मैंने कहा भूपेन हजारिका के बाद में बात करना, अब हम ना कर पाएंगे काम। तो खैर बड़े झंझट हुई, वो पॉलिसी मीटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और रोज बैंक में मीटिंग होती थी। एक दिन मेरे पास एक बड़ा लंबा जोड़ा खत आया, ये मैं उसका प्रोसेस जर्नी बता रहा हूँ कि आप करना क्या चाहते, करना क्या पड़ता है आपको, क्योंकि आज कल के लड़के तो लेट उठते हैं। तो मैंने कहा तो तुम करा क्यों रहे हो, गिन रहे हो 100 साल का सिनेमा, करा रहे हो आज के लड़कों के लिए, तो मैंने इससे मत कराओ। बोले नहीं आप मुझे मालूम है कि आप अच्छी किताब लिखे। मैंने कहा अच्छी किताब लिखूंगा, मान लिया, लेकिन अगर मैं गाने में बता रहा हूँ कि यहाँ रागेश्री है, बागेश्री है, फलाना ताल है, लता जी ने ऐसे किया है, रवि साहब ने ऐसे किया है, हम नए में क्या करेंगे। मेरे मित्र है शांतनु मोइत्रा, म्यूजिशियन है। मैंने कहा ये बताओ कि जो है गाने इतने सुंदर बनाते हैं आप लोग, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। कहते यतीन राज का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहता है गाने वाने का तू देख लेना भाई जैसे करना है, इसकी रिंगटोन अच्छी बननी चाहिए। जैसे कमर्शियल सेटअप की रिंगटोन बन जाए तो अच्छा गीत बन जाए। तो जब रिंगटोन पे आ गया है तो फिर आप कमर्शियल इंडस्ट्री में खेलने लगते हैं ना। शुरू से कमर्शियल इंडस्ट्री थी, लेकिन पहले इतनी मजेदारी भी थी कि नहीं भाई हमें अच्छा काम पहुंचना है। अभी ये है कि रिंगटोन अगर ले लिया एयरटेल ने या जो है उसने आपके वोडाफोन ने, तो काम बन गया उनका, उनका बिक गया गाना। बाकी तुम्हारे गाने में उसमें क्या निकलता है उसे तुमको लेना देना। मुझे रिंगटोन परंपरा में काम करने की इच्छा नहीं थी, मैं अपने को पुराना स्वीकारता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होती। खैर वो लोग लास्टली कन्विंस हुए और मैंने कहा देखो किताब लिखूंगा, अगर छापनी है तो लिखो, मैं इतनी मेहनत नहीं करने वाला उसको, मैं इतना बड़ा पागल लेखक भी नहीं हूँ कि लिख लिख के और ग्रंथ की तरह पोथी में बांध के रखता रहूँ कि ये काम किया था मैंने। अपनी मर्जी के लिए गाने सुनता हूँ, कविता तो लिख के आप जी सकते हैं कि आपने कविता लिखी और आप उसमें आनंद आते रेट में डूब रहे हैं, लेकिन मैं एक एक गाने की एजुकेसी में वर्क करूँ और उसके बाद मैं फिर रहूँ कि कोई छाप नहीं रहा है तो मुझे नहीं करना। तो 67 वर्ष बीत गया सिनेमा, उसके बाद फिर उस किताब पे हाँ हुई, फिर मैंने लिखा। किताब लिखने में करीब मुझे 6 महीने लगे क्योंकि मेरी तैयारी थी तो वह लिख गया, लेकिन किताब हाँ होने में और किताब इस लेवल पे आने में इसमें बहुत समय लगा। बस आजकल वो चल रहा है जरूर कि एक धुन तैयार है और उस पे आपको शब्द लिखने हैं, ये चर्चा हो रही थी हमारी कि पैजामा तैयार है, उसके साइज का आदमी ढूंढ रहे। तो ये शुरू से था जी, ये शुरू से था। जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैंने गुलजार साहब से बातें की हैं और बड़े विद्वानों से बातें की, हमेशा ये रहा कि म्यूजिक बयान बन जाता था, शब्द की बहर बरकर छाई जाती थी। सिर्फ एक शायर ऐसा हुआ इस देश में सिनेमा इंडस्ट्री में जिसने अपनी ध्यान सारे गाना लिख देते थे, आपको उसमें बनानी है ट्यून बनाइए, नहीं तो उनके मतलब का नहीं था। बहुत कुछ बाद में गुलजार साहब का मिलन करता था, अन्यथा हर जगह एक आपको शैलेंद्र तक दिए हुए मीटर पे गाने लिखते थे। इसका सबसे मजेदार एक स्लैंग वर्ड था कि इस पे गाना बना लो और गुलजार के साथ कहने लगे भाई ये क्या होता है, बापू बापू जी बकरी का दूध पीता है, इसमें क्या लिखा जाएगा। आप कभी सोच नहीं सकते कि जानू जानूरी काहे थके है तोरा कन्ना की बहर के नीचे बापू बापू जी बकरी का दूध पीता है जैसा बहर बैठी मिलेगी आपको। तो तमाम ऐसे उदाहरण है, कभी जब पारंपरिक कविता लेते हैं काय को ब्यारी विदेश ले लिया, कभी कोई पदावली ले ली, मेरे तो गजर गोपाल ले लिया, तब मुश्किल आती है कि आप उसमें कोई गेम नहीं कर सकते, तो आपको उसके हिसाब से म्यूजिक बिठानी है। अन्यथा आपको या मुझे अभी गाना लिखना हो तो हमारी कविता किसी काम की नहीं, उनका म्यूजिक काम का है, आप उसके साथ अगर सिंक्रोनाइज है तो आप वर्ड। क्षेत्रीय संगीत जो है वो फिल्मी गीतों में पुराने गीतों में बहुत देखने को मिलता था और उसका कितना क्या प्रभाव अभी देखने को मिलता है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल। मुझे लगता है कि ये सारे लोग जो म्यूजिक डायरेक्टर थे पुराने, ये जहां से आए वहां का म्यूजिक लेके आए। नौशाद लखनऊ की तवायफी गजल और गुजरों का संगीत लेके गए, साजिदों का म्यूजिक लेके गए, बंगाल का जो भटियाली और जो फोकलोर है उसको एस डी बर्मन लेके आए, असम का जो फोक है वो संजय चौधरी के म्यूजिक में मिलता है। चूंकि बेगम अख्तर के बड़े मित्र थे और अपनी हर धुन बना के बेगम अख्तर को दिखाते थे मदन मोहन, इसलिए उनकी गजलें बहुत अच्छी हैं।
आप कोई भी अच्छी गजल सुनते हैं मदन मोहन की, अरे साहब मदन मोहन से अच्छी कोई गजल नहीं बनाता, उसकी पृष्ठभूमि में कहीं बेगम अख्तर बैठी नहीं है कि वो बेगम अख्तर सुन करके उसको उसमें तरमीम कराती थी कि यार मियां इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो अब जो उसका एक्सपर्ट है, उर्दू साहित्य में इस्लाम की बड़ी परंपरा है, आप पूछते हैं आप सीखते हैं। तो जिसने सुधीर फड़के जैसा म्यूजिक डायरेक्टर जिसने वो म्यूजिक दिया है उसका भाभी की चूड़ियां का, ज्योति कलश चल के घोर में सड़ा होती है मराठी लोगों के यहाँ की, वो आंगन धोते हैं तुलसी पे दिया पूजा करते हैं और रंगोली बनाते हैं, तो सड़ा करना कहते हैं। तो चूंकि सुधीर फड़के मराठी थे उनके घर पर वो सड़ा होती थी और रात भोपाली में ही होगी, उसके लिए कोई दूसरा रात तय नियत नहीं है जी, तो सड़ा के लिए भोपाली मौजूद है। तो जो बेस्ट गाना बना भारत में वो सुधीर फड़के ने बनाया, जो बेस्ट कव्वाली है नाथ बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, वो नौशाद बनाएंगे, शिया मुसलमान है वहां की सारी परंपरा जानते हैं हम, अमीनाबाद की और कैसरबाग की और वहां पे जब सब होता है। अब आप ये उम्मीद नहीं कर मैं इस बार और ये माची अब की बार ले चल पार ये नौशाद करेंगे, ये काम असली बर्बाद करेंगे। तो अपने जगह का म्यूजिक लेके आना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक बड़ा सुंदर दादरा है पूर्वम का, ढूंढो ढूंढो रे गंगा रेती पे बंगला छपा मोरे राजा आवे लहर जमुनी की, ये सब भी गाया है सिद्धेश्वरी देवी, बड़ा सुंदर। निमिया तले डोला रख दे मुसाफिर सावन की आई बहार दे, ये अवध प्रांत में हमेशा गाया जाता है सावन में, और उसी को लेकर के असली बर्मन बनाते हैं बंदनी में, अब के बरस फिर भैया को बाबो सावन में दीजिए बुलाए दे। तो ये समझने की बात है कि कौन व्यक्ति किस पृष्ठभूमि से निकला हुआ है, और जिस पृष्ठभूमि से निकला हुआ है उसने वही का काम किया है। भारतीय सिनेमा इस मामले में और एक कल्चरल स्टडीज का एक बहुत बड़ा पार्ट मौजूद कराता है, इसमें मैंने बहुत जगह कहा भी है कि आपको कोई चीज जाननी है, आप कोई ओकेजन उठा लीजिए अपने घर में, पता चले आप किसी के घर मोहल्ले चले जाइए, ब्याह हो रहा है तो, जन्म हो रहा है तो, बच्चा हो रहा है तो, किसी की तरक्की हो रही जन्मदिन हो रहा है, एक फिल्मी गाना मिल ही जाएगा बजता रहता है और सब उसी पे झूमेंगे नाचेंगे। मुझे मैं एक बहुत मुझे आश्चर्य होता था भारतीय सिनेमा के बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो ब्याह में जरूर बजते हैं, जब बारात लगने लगेगी लड़के की लड़की के दरवाजे पे तो ये देश वीर जवानों का जरूर होता है। मैं बहुत हंसता था गाना क्यों होता है तो मुझे समझ में आया, तो मैंने गुलजार साहब से कहा मुझे गुलजार साहब ये बताइए ये गाना जो है नया दौर वाला ये देश वीर जवानों का अलवेलों का मस्तानों का, तो इतना ही मैंने कहा तो गुलजार साहब कहते हैं वो ब्याह में जो बजता है, तो मैंने कहा इस गाने का साम में क्या है तो कहा बेटा वैसे तो हंसी मजा भी बिल्कुल, लेकिन इसका रिदम और लय बहुत भंगड़ा है और पंजाबी तो नाच में सबसे आगे होते हैं, तो लोगों को और वो डीजे वालों को और वो भौकों पे गाने वालों को अच्छा लगता है तो हमें बढ़ता है। आप कितना भी अच्छा जयमान करवाइए कुछ भी कराइए, आप अगर उसको जो वीडियो पैकेजिंग करके दे गा किसी की बना के जयमान के समय अब हमारा फूल बरसाओ मेरा महबूब आया जरूर बजाएगा वो लगा देगा, वो इसकी जो टाइप है वो ही गाना लगेगा। तो भारतीय सिनेमा ने आपको आपके जीवन में खुशी के मौकों पे इतने गाने दे दिए हैं कि आप उसी में डूबते उतराते रहे, आपका पसंद का कुछ हो सकता है लेकिन उन्होंने जैसे आपकी एक कंडीशनिंग कर दी है कि साहब अगर भजन है तो ये है, अगर मृत्यु है तो मृत्यु का गीत भी वो बनाते आदमी ने चले गए, विदाई के सारे गीत बना दिए, लड़के रोए ना वो इंटरनेट पे उसने सेटिंग करके ब्याह कर लिया है, लेकिन वो चलो डोली उठाओ हाथ लिया मिलन की रुताई और रोने का गाना बजाएंगे पीके गरज प्यारी दुल्हनिया चली, कोई मतलब नहीं है दुल्हनिया खुशी खुशी जाना चाह रही है लेकिन वो एक कंडीशनिंग है कि नहीं चार विदाई करने गाना है ये सुनाता है। जब से मैंने आपको पढ़ना शुरू किया है मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसी भाषा कहाँ से लेकर आओ, तो आप मुझे बताइए कि ये इस तरह की भाषा जो आपकी भाषा आपके लिए चुन लेता है तो सर मैं जानी, और दूसरा अब तक जो आपके लेख प्रकाशित हुए हैं क्या उसे बुक फॉर्म में लाने का आपका की कोई योजना है या इस तरह का कुछ आपका आगे का? आकांक्षा जी नाम बता रहे हैं जी, मेरी बहुत सारी किताबें पब्लिश हैं, ये जो सीता पाटिल वाले लेख का आपने जिक्र किया ये पहल मैगजीन निकल थी जबलपुर से, तो उसमें मैंने सीरीज लिखी थी करीब 12-14 लेख लिखे, वो भी पुस्तक आई नहीं मैंने दी नहीं छपने के लिए, कुछ प्रकाशकों से बात चल रही वो लोग चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि फिर कभी इसको ठीक करेंगे, मुझे अपने लेखन में हमेशा कमी नजर आती है कि एक बार तक मैं कोई विनम्रता में नहीं कह रहा हूँ ये वाकई मुझे लगता है, और मेरे साथ एक बड़ी दिक्कत ये है कि मैं जो काम कर गुजरता हूँ उससे मुझे तुरंत मोह भंग हो जाता है, मैं लगता है
बैठाओ, इसकी चर्चा ना करो। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो उन्होंने संदीप भटोरिया जी ने कहा कि हम सफर में बात करेंगे, हमने कहा तुम तीन तीन कलम में हम सफर को भेजे हो, पटना में भी और जो है जयपुर में भी, अब रायपुर में भी यही करोगे, अगर रहने दो अभी रहने दो रायपुर, मेरी कोई किताब उताब आए तो रायपुर जाएंगे, वो रहने आपको फिर बुलाएंगे। तो मुझे एक अंदर से फिर लगता है ठीक है हो गया काम तो करना था, कर दिया, अब खत्म है, तैयारी में है, हो सकता है आगे आए किताबें। भाषा संस्कार की जो बात आप कह रही है मुझे लगता है कि उसके लिए तो खुद से चौकन्ने रहने की बात है। मैंने जब पढ़ना शुरू किया था तो हम लोग को जो उत्तर भारत में हिंदी सिखाई जाती है बड़ी टकसाली किस्म की हिंदी होती है, वो आप किसी के आगे बोल दें तो वो हंसने के लोग क्या नहीं क्या है, एक आम बोल चाल की भाषा में भी संस्कार आता है। तो मुझे दो लोगों का लेखन बहुत पसंद आता था भाषा के स्तर पर, एक तो निर्मल वर्मा जी का और एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। लोहिया जी की भाषा पढ़िए आप, वो राजनीतिक चिंतन है, मतलब था बाप रे कोई लेखक समझा रहा है आपको राजनीति, मतलब राजनीति बता रहे, समाजवाद बता रहे, लेकिन आप भाषा अगर कभी राम मनोहर लोहिया जी का ओरिजिनल हिंदी का पढ़ा हुआ देखिए तो भी खुश हो जाएंगे। और उसके बाद तमाम सारे लोगों का काम मुझे समझ में आता था, तो मुझे लगा कि आपकी एक जातीय पहचान लेखक के तौर पर भाषा है। रेडियो में से जब आवाज निकलती है सामान्य आदमी बना देता है कि अगर उसने वो विविध भारती का नहीं सुन रखा है कि कौन गाने वाला है, कि रफी है या आशा है या किशोर है या लता है या सब जानते हैं, जो नहीं जानता वो भी कुछ दिनों में सुनते हुए जान जाता है। तो जब हम एक गायक को उसकी आवाज ही तो पकड़ते हैं एक, तो फिर लेखन की भाषा ही सबसे बड़ी पूंजी है जिसको आपको पकड़ना है, कि अगर मेरा नाम हटा करके भी लिख दे दिया जाए आपको और आपने मुझे फॉलो किया है तो आप पकड़ सकती, क्योंकि ये चीज यतींद्र मिश्रा लग रहा है, और अगर यतींद्र मिश्रा नहीं है तो ये वहां से उड़ाया गया है वहां का। मैं अन्नपूर्णा देवी के बारे में कुछ सुनना चाहूंगा। अन्नपूर्णा देवी जी के बारे में बहुत कुछ आप बहुत जगह से नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी ने अपने को बहुत छुपा के और बहुत दुनिया से काट के एक बिल्कुल साध्वी की तरह जीवन जिया और अपने को रखा। खुद उनके शिष्य अपने हमारे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, जो उनसे बांसुरी सीखे हुए हैं, मुझे सौभाग्य मिला था दूरदर्शन के इंटरव्यू लेने का लास्ट ईयर, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि माँ बोलते हैं, मैंने कहा माँ के बारे में कुछ पंडित जी जानना चाहता हूँ, और वैसे ही कौतूहल के साथ जैसे आपने कहा, तो वो एकाएक रोमांचित हो गए और उन्होंने रिकॉर्डिंग रुकवा दी थी। उन्होंने कहा कि इसको रोको कैमरा, तो कैमरा हमें रोकना पड़ा, फिर उन्होंने कुछ बातें बताई, अपने अनुभव बताए, फिर उसके बाद कहा कि लेकिन माँ की ये है कि ये चीज सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। आपने पूछा मत प्रकार तो मैंने बता दिया, उनका ठीक पड़ी थी, साधारण सी बातें थी जो गुरु शिष्य में होती हैं, बहुत ही सात्विक और बहुत उठन से वो महिला। फिर उसके बाद जैसे कि हरिप्रसाद जी का चरित्र है वो अपना हंसी मजाक में और फिर अपना पूरा इंटरव्यू बुनने लगे, तो उतना ही मुझे जानकारी है उनके बाज के जो थोड़े बहुत आर्काइवल रिकॉर्डिंग से बहुत थोड़ी सी संगीत नाटक अकेडमी के बाद वो सुनने का मौका मिला है, उससे बहुत कुछ कहने की स्थिति बनती नहीं, क्योंकि मैं इतना अपने को बड़ा विद्वान नहीं पाता कि अन्नपूर्णा जी के या अलाउद्दीन खान साहब की परंपरा में बिल्कुल बोलूं। इतना ही कह सकता हूँ कि हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं कि एक बड़ा सितारा बनने से पहले वो जाने लगा। सामान्यतः हम जो देखते हैं एक बहुत ज्यादा पढ़ने वाले व्यक्ति की बात ना भी करें तो सामान्य रूप से जो लोग लिख के पढ़ते हैं स्कूलों की किताबों की जो चीजें होती वो बड़ी याद रहती है, उनके कवि लेखक, सीबीएसई की बुक में आपका एक निबंध दसवीं क्लास में, वो मतलब वो कैसा मतलब आया है वो मैं जानती हूँ, आपने बिस्मिल्ला खान साहब के बारे में लिखा भी है और उसी से संबंधित निबंध है, लेकिन एक लेखक के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है कि स्कूल की कोर्स की बुक। ये बहुत सुंदर सवाल पूछा जी आपने किया, मैं सीबीएसई से ही पास आउट हूँ और मैं इंटर मैंने सीबीएसई से किया, तो जब मैंने बिस्मिल्ला खान साहब पर किताब लिखी सुर्खी बारादरी, और बिस्मिल्ला खान साहब का निधन हो चुका था, एक पुस्तक प्रकाशित, मैंने पहले लिखा था मैं पूरा पृष्ठभूमि बता दूं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय बना भारत सरकार की योजना थी, तो उसकी आए थे आपके कोठा गोही के लेखक, तो प्रभात जी मेरे बड़े दोस्त, उन्होंने कहा यार तुम बनारस बहुत जाते हो, बिस्मिल्ला खान बहुत जाती हो, कुछ करते हो तो एक कोई अच्छा सा पीस लिखो, तो मैंने नौबत खाने में इबादत जिस जो चैप्टर है मैंने वो पीस लिखा और वो दे दिया और वो छप गया, प्रसन्न किया गया, फिर बात आई गई होगी उस दौरान मैं अपने काम भी कर रहा था खान साहब के। इस बात के दो तीन वर्ष बाद खान साहब गुजर गए, लेकिन खान साहब ने गुजरने के पहले उसे कहा कि बखुदा जब लिखना तो मैंने तुम्हें इतनी इतनी बातें बताई, ये सच बता रहा हूँ आपको, इसमें ये बातें मत लिखना,
मैंने नाराजगी में कह दिया, किसी के लिए कह दिया, तो खुदा को मुझे भी चेहरा दिखाना, मैंने कहा ठीक है खा सकता है आपकी बात का सब। और वो सारी बातें मैंने एडिट करते हुए फिर पूरी पुस्तक तैयार की, जो एक छोटी सी पुस्तिका ही है वो सुर्खी बारादरी के नाम से पुस्तक आई। खान साहब की डिमाइस के बाद जो जो गंगा जमुनी तहजीब के बड़े आदमी हैं उनके लिए अपना कुछ और रोल चला होगा ये बात। फिर मेरे आने जाने उनके मृत्यु के 6 महीने बाद NCERT से मेरे पास फोन आया, तब उस समय मेरा मोबाइल नहीं होता था लैंडलाइन पे, कि आप इंद्र मिश्र बोल रहे हैं, हम लोगों ने फला व्यक्ति से पता लगाया है। प्रोफेसर कृष्ण कुमार जो शिक्षा शास्त्री रहे हैं और जनसत्ता में बड़े तक कॉलम लिखा है, कृष्ण कुमार जी की बेंच ने डिसाइड किया है कि बिस्मिल्लाह खान साहब ने एक चैप्टर हमें क्या हम एडिटिव उसे कोर्स के लिए ले सकते बात के हिसाब से रिकॉर्ड। मुझे विश्वास नहीं हुआ, ईमानदारी की बात है, ये कोई खेल रहा है टेलीफोन। तो मैंने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं, मैं कहा नहीं आप पहले बताइए और एक अगर आप हाँ करें तो ईमेल दें, तो हमें फॉर्मेट फॉर्मेट है उसमें आपको कुछ फॉर्म फिल करके देना होगा कि आप इसके लिए एग्री करते हैं, देन फिर हम लोग आपको प्रोसेस करेंगे। हम इन भेज दीजिए। तो मैंने अपने फादर को बताया, फादर ने कहा क्या है लेकिन ऐसे कहाँ से आ जाएगा NCERT से, कहाँ आए उन लोगों ने, तो देखते। एक हफ्ते बाद हमारे पास फॉर्मेट आया, मैंने भर दिया, फिर उनका एक पत्र आया, वो बड़ा मजेदार था। उसमें मैंने जो मेरा लेख है उसमें लाइन एक थी कि एक पंक्ति आती थी कि खान साहब के स्कूल का रास्ता रसूलन और बतूलन के कोठे की गलियों से होते गुजरता था, रोज कोठे के रास्ते से गुजरता था, क्योंकि वो रोज कोठे के बाहर जाते थे और जो गाती थी वही बस्ता छोड़ के सुनने लगते थे और शाम को आके चेन्नई पे वही निकालते थे। तो ने कहा कि हमारी कमेटी ने डिसाइड किया है कि ये लेख तो लेंगे, कोठा शब्द 10th के स्टैंडर्ड में हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बच्चों पे इसका बुरा इफेक्ट आएगा, आप इस शब्द को बदल सकते हैं लेकिन हमें ये भी बताना है कि रसूलन और तुलन जब जा रहे थे पंडित जी उस्ताद, तो बड़े खीज हुई। मैंने कहा जब मैंने लिखा था तो मैंने सपने में नहीं सोचा था कि इसको NCERT अपने ढंग से कंडीशन कराएगा, आप कर लीजिए जो आपको। तो बोले कि नहीं नहीं आप ही करना है, और ये वाक्य तुमने का वाक्य रिमूव कर दीजिए एक सेंटेंस में पूरे लिख सकते हैं। ये मुझे बहुत पसंद आई बात कि कितनी माइन्यूटली कोर्स बनते हैं और कैसे लोग काम करते हैं। मैंने कहा नहीं, इतने इंफॉर्मेशन है कि रसूलन और बदूलन बाइक तक जाते थे लेकिन रसूलन और बदूलन से सीख भी लिया और कोठा भी ना बताया ऐसा कुछ काम करी। तो फिर मैंने उसमें एक लाइन लिखी कि बस कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि वो बिस्मिल्लाह खान का रास्ता बाद में रसूलन उस उन गलियों से भी होकर गुजरता था जिधर रसूलन और बतूलन भाई अपना संगीत का अभ्यास करती थी। ऐसे करके बात के मैंने डिफाइन किया और ठीक है आ गया। और बाद में डिफाइन करें तो ब्रॉकहेल और वो सब हर चीज उसमें है स्टेटमेंट। फिर वो आया कोर्स में, जब कोर्स में आया तो मैं कभी किसी किताब को लेकर उत्साहित नहीं हो सका, अपनी किताब को तो खास करके प्रकाशक भेज भी देता है तो मैं कहता हूँ हाँ मैं फिर कमी निकालता हूँ। जैसे इस किताब का कवर मुझे बेहद नापसंद है, हमें बहुत झगड़ा किया था कि ये तो फिर भी पोस्टर तो क्या है झगड़ा है तो, लेकिन उसके लिए मैं जा करके टेक्स्ट बुक वाले फैजाबाद शहर की दुकान पे खड़ा हो गए, 10th की चिट्ठी दे दीजिए मुझे, और जब मैंने उसको खोल के जल्दी से देखा कि मैं सिलेबस में हूँ तो उस दिन मुझे बड़ी खुशी हुई। इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत स्मार्ट हो गया, वही भावना मेरे मन में आई कि लोग हाई स्कूल इंटर पास करके निकलते हैं और उनको वही याद रह जाता है, तो शायद इन बच्चों को यतींद्र मिश्रा याद रह जाएंगे। और दूसरा कि जिस विद्यालय से जिस संस्था से मैं पढ़ के निकला, CBSE से मैं पढ़ा हूँ चर्चा हूँ और आज वहां मुझे पढ़ाया जाएगा तो इससे बड़ा ऑनर मेरे लिए। हमारी श्रृंखला का पांचवा ये कड़ी थी जिसमें दैनिक भास्कर एज अ मीडिया पार्टनर हमारे सहयोगी हैं, प्रभा के दान फाउंडेशन और काशी मेमोरियल सोसाइटी के सहयोग के तत्वाधान में इसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं और हयात का विशेष हमें इस पर सहयोग मिलता है, धन्यवाद। Thank you.
नहीं नहीं वो तो आप लोग लिखते हो वो नहीं।